बहुत बारी हमें यह लगता है कि आजकल गर्मियाँ हैं और हमें अपने डॉग को बार बार नहलाना चाहिए फ्रिक्वेंटली नहलाना चाहिए ताकि वो ठंडे रहें उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे ऐसा होता नहीं है प्रॉब्लम बढ़ जाती है डॉग डोंट स्वेट इनको पसीना नहीं आता डॉग्स को इनकी जो टंग का फ्रंट पॉइंट है वहाँ से वो अक्सर आपने देखा होगा कि ड्रॉप्स गिरते रहते हैं बहुत बड़ी देखा होगा कि बाथरूम का जो डोर है वो खुला रह जाता है और डॉग की हमेशा कोशिश होती है कि वो गीली जगह पे जाके बैठे उसको ठंडक में बैठना अच्छा लगता है बादल भंडारी एंड आई वेलकम फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए आपके टाइम के लिए आपकी ब्लेसिंग्स के लिए uh, मैं पिछले 24 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बिहेवरस्ट हूं जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूं मेरी कोशिश ये होती है कि जो अपना एक्सपीरियंस है जो 24 साल प्लस में मैंने सीखा है या जो अभी भी सीख रहा हूँ वो आप सबके साथ में शेयर करूँ आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम आ रही है कि गर्मियों में हमारे जो डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे बॉडी की स्मेल आती है वो बार बार आ, एक तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं उनके उनको कितनी बार नहलाना चाहिए ये सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो सब चीज़ मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ बहुत बारी हमें ये लगता है कि आजकल कल गर्मियाँ हैं और हमें अपने डॉग को बार बार नहलाना चाहिए फ्रिक्वेंटली नहलाना चाहिए ताकि वो ठंडे रहें उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे और अगर वो बार बार नहाएंगे तो उससे उनका कोट भी अच्छा रहेगा जबकि ऐसा होता नहीं है प्रॉब्लम बढ़ जाती है जो उनका कोट है उसको जब हम बार बार गीला करते हैं तो उसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं जो बॉडी के वो ड्रेन हो जाते हैं जो मस्ट हैं जो नेचर ने उनको दिया है उनके बालों अब उस सिचुएशन में होता क्या है हमें बेसिकली अगर गर्मियाँ हैं जैसे अभी समर्स हैं मई जून जुलाई जो भी मंथ है बेस्ट नहलाने का तरीका है हफ्ते में एक बार अपने डॉग को नहलाइए जब आपने नहलाना है तो बेशक आधे घंटे के लिए उसे बात दीजिए कोई इशू नहीं है कैसे बात देना चाहिए उस टॉपिक को मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी एक ब्लॉग बना के डाल रखा है छोटे बच्चे को फर्स्ट टाइम बात कैसे देना है वो भी बता रखा है बड़े डॉग को बात कैसे देना है वो भी बता रखा है प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने डॉग को बार बार नहलाते हैं नहलाने से क्या होता है उनके जो बाल हैं वो अच्छे से सूखते नहीं है जो उनका स्किन है वो अच्छे से सूखती नहीं है वो गीला रहना शुरू हो जाती है और वो जो स्किन है वो गलना शुरू हो जाती है हमने आज बात दिया नेक्स्ट डे हमने फिर बात दे दिया एक तो ये प्रॉब्लम है दूसरी प्रॉब्लम बार बार एक सारी चीज़ें इंटरलेटेड है दोबारा क्लियर कर दूंगा एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने डॉग के जहाँ उसने बैठना होता है वहाँ पे हम उसके नीचे कई बार गीला कपड़ा बिछा देते हैं कुछ बोरी बिछा देते हैं कोई बैट बिछा देते हैं गीला करके या पानी फेंक देते हैं जहाँ पर डॉग बैठा होता है हमें यह लगता है कि फर्श से जो हीट निकल रही है वो उसे नहीं लगेगी और वो बैट बेटर फील करेगा जबकि उसके उल्टा हो जाता है जब हम बार बार गीली जगह पे उसे बिठाते हैं अगेन उसके बाल जो हैं उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है बिकॉज वो जो जो हेयर्स हैं दे आर लिविंग बींग उनको बार बार गीला करने से उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है वो लाइफ और जो कोट की कंडीशन है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है बाल ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं कलर चेंज होना शुरू हो जाता है कोट का और वो बैड ब्रेथ मुंह से भी और बॉडी से भी बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है और बैड स्मेल आने की वजह सबसे इंपॉर्टेंट यही रहती है कि हम उन्हें गीली जगह बिठाते हैं हमें लगता है अगर हम अपने डॉग को हमें लगता है हमारा जो डॉग है जैसे हम लोग दिन में दो या तीन बार नहाते हैं मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लोग दिन में दो तीन बार भी नहला देते हैं डॉग को हफ्ते में एक बार नहलाना है ब्रशिंग डेली करनी है हो सके तो दिन में दो बार कीजिए ब्रशिंग दो की बेशक तीन बार कर दीजिए डॉग को गीली जगह मत बैठने दीजिए बहुत बार आपने देखा होगा डॉग पानी गिरा देता है खेलते हुए पानी गिराता है और पानी गिरा के उसमें बैठ जाता है छप 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 करते हैं जो फीडिंग बाउल है उससे और उस वो भी उनको बहुत उनको एक बहुत बढ़िया गेम लगती है बेसिकली ये बहुत मज़ेदार उनको गेम लगती है वंस अ वाइल इट इज़ ओके लेकिन जब हम उसे बार बार अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली स्किन की प्रॉब्लम प्रॉब्लम आना लाजमी हो जाता है ये जो मेरे साथ में हिटलर है ये भी लॉन्ग कोटेड है अब आप इस आपको इसका कोड दिखाता हूँ अब ये देखिए क्लोजली देखिएगा ये जो ईयर्स के ईयर के जो बाल हैं ये ईयर्स के बाल ये फेडेड होना शुरू हो गए हैं डल होना शुरू हो गए हैं बिकॉज वो रूट से टूट चुके हैं जो साइड है ये बाल चेंज हो रहा है ये अभी साढ़े तीन महीने के करीब का बेबी है जो पीठ के बाल हैं आप उसको देखिए कितना शाइनी है ये पीठ के बाल देखिए कितना शाइनी है ये जो कोट है ये नया आना शुरू हो गया बिकॉज़ यहाँ पर सबसे पहले हम जब ब्रशिंग स्टार्ट करते हैं हम पीठ पर ही ब्रशिंग करते हैं और डॉग भी कम्फर्टेबल रहता है उस चीज़ में साइड की ब्रशिंग पर हम ध्यान कम देते हैं इसलिए जो साइड वाले जो बाल हैं उसको आने में टाइम लगता है और वो लेट चेंज होते हैं लेकिन जैसे जैसे कोट चेंज होता जाएगा इसका जो कलर है वो भी पूरा शाइनी हो जाएगा जो अभी फेडेड सा हो रखा है वो भी पूरा शाइनी हो जाएगा आपको अपने डॉग के गर्मियों में बेस्ट रहता है हम उनको टाइम टू तो टाइम एंटीटिक पाउडर वगैरह लगाते रहे एंटीटिक कॉलर आते हैं आप वो लगा लीजिए उसकी वजह से इचिंग नहीं होगी एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ जब हम बार बार डॉग को गीला करते हैं डॉग की स्किन गलने के अलावा उसको फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाती है कई बार होता है सर्कल में पैच बनना शुरू हो जाते हैं रेड रेड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं अगेन बार बार मॉइस्चर रहने से बार बार गीला रहने से ये सब चीज़ आती है ग्रूमिंग ग्लव आता है मैं बहुत बारी अपने ब्लॉग्स में बताता हूँ ग्रूमिंग ग्लव को यूज़ कीजिए गर्मियों में सो so दैट उसका जो कोट है उसको अच्छे से उसको सांस लेने का मौका मिले जो कोट है उसको भी सांस मिले उसकी स्किन को सांस मिले ओके गुड बॉय बोए गुड बॉय गुड बॉय बहुत प्यारा बेटा अच्छा बेटा बहुत बहुत सिंदरू बेटू हो शुरू मुंडू है तो शुरू मुंडू है हमारी डाइट हमारी केयर बहुत मैटर करती है गर्मियों में अगर आपने अपने डॉग को कंफर्टेबल कंडीशन में रखना है उसको अगर आप चाहते हैं कि वो ठंडक मिले तो ठंडक मिलेगी उसकी डाइट से उसको बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें देने की जरूरत नहीं है आधा दूध आधा पानी मिक्स करके दीजिए वो डिपेंड करेगा हमारे डॉग की एज कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम उसे कितना दूध और कितना पानी देंगे मीन्स अगर हम इस छोटे वाले हिटलर की बात करें जो मेरे साथ इस समय वीडियो में है अराउंड वन फिफ्टी एम एल मिल्क एंड वन फिफ्टी एम एल ऑफ वाटर टोटल थ्री हंड्रेड एम एल विल बी सफिशियंट फॉर हिम हम दिन में एक बार इसे दे सकते हैं उसका बेस्ट ये रहेगा कि वो इसको ठंडक रहेगी अगर आपके एरिया में ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे आप गूंद का तीरा आता है पंसारी की दुकान से मिलता है आप सो करके वो भी इसके उसमें ऐड कर सकते हैं इसके अलावा आप इन्हें मैलन्स मेल, दे सकते हैं और दही दे सकते हैं अभी जितनी गर्मी आ रही है तो ऑफकोर्स आप इन्हें फ्रिज का ठंडा दही दे सकते हैं ओके गुड बॉय जब और ज़्यादा गर्मी आ जाएगी जब वेदर कंडीशन जो है फोर्टी प्लस चले जाएगा तो यू कैन एड आइस क्यूब इन टू इट आप आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं उससे भी आपके डॉग को ठंडक मिलेगी लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम डॉग को बार बार गीला करेंगे और उससे उसे ठंडक मिलेगी तो डेफिनेटली उससे सिर्फ स्मेल आएगी बैड स्मेल आएगी और जिसके लिए हम डॉग को कल्पिट ठहराएंगे जबकि डॉग का तो बेचारे का कोई उससे बहुत बारी देखा होगा कि बाथरूम का जो डोर है वो खुला रह जाता है और डॉग की हमेशा कोशिश होती है कि वो गीली जगह पे जाके बैठे उसको ठंडक में बैठना अच्छा लगता है और उसके अलावा बहुत बड़ी होता है वो किचन में सिंक के नीचे जाके जहाँ थोड़ा सा पानी गिरा होता है जब हम बर्तन धोते हैं तो जहाँ पानी गिर जाता है वहाँ पर जाके बैठना उनको बहुत अच्छा लगता है कम्फर्टेबल फील करते हैं सो बेस्ट वुड भी आप उसको छाया वाली जगह पे बिठाइए जहाँ पे ठंडा है वहाँ बिठाइए बहुत ज़्यादा सनलाइट है जहाँ पे वहाँ मत बिठाइए कोई भी डॉग ब्रीड हो बिकॉज दे विल नॉट फील कम्फर्टेबल विद डैट अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा हीट वाली जगह पर बिठाएंगे तो डेफिनेटली उनकी आ, उनको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी उनका स्लाइबा ज़्यादा आएगा उनकी टंग के फ्रंट से ड्रॉप गिरता है डॉग डोंट स्वेट इनको पसीना नहीं आता डॉग्स को इनकी जो टंग का फ्रंट पॉइंट है वहाँ से वो अक्सर आपने देखा होगा कि ड्रॉप्स गिरते रहते हैं वो गर्मी की वजह से ही होता है अभी ये पूरे कोशिश कर रहा है पंगे ले रहा है उतरने के लिए ओके हम जा रहे हैं हम चले जाएंगे अभी हम अभी चले जाएंगे वीडियो से ये जो मैंने वीडियो बताया बनाया आपके साथ में शेयर किया गीली जगह नहीं बैठने देना गीली जगह पे बिठाना डॉग के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है वो ऑनर को तब समझ में आती है जब देर हो गई होती है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने डॉग को सूखी जगह पे बिठाएं साफ सुथरा रखें जितना साफ सुथरा रहेगा और साफ रखने का मतलब ये नहीं बार बार नहलाना साफ रखने का मतलब है आप उसके कोट को क्लीन रखें ब्रशिंग यूज कीजिए ब्रश यूज़ कीजिए ग्रूमिंग ग्लव यूज़ कीजिए सो दैट आपका जो डॉग है उसका कोट और उसकी कंडीशन अच्छी रहे आई होप ये जो वीडियो बनाया है ये आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को राधर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो so दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें साइन दिया करेंगे मुझ पे आप पे हमारे पेट्स पे सारी दुनिया पे लव यू ऑल